नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे थे पाठ क्रमांक 5 एकता का बल। आज हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर देखेंगे। शब्दार्थ, व्याकुल बेचैन, व्याकुल बेचैन, बिखरा फैला हुआ, भरपेट पेट भर, भरपेट पेट भर, जोर लगाकर ताकत से, कुतरना दांत से काटना, मुक्त आजाद। अभी हम इसके प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, कबूतर क्यों व्याकुल हो गए? उत्तर, भूख के कारण सारे कबूतर व्याकुल हो गए। दूसरा, दाना देखकर बूढ़े कबूतर ने अपने साथियों से क्या कहा? उत्तर, बूढ़े कबूतर ने कहा, जंगल में एक ही जगह पर इतना सारा दाना कहाँ से आ गया? जरूर धोखा है। उत्तर, बूढ़े कबूतर ने कहा, जंगल में एक ही जगह पर इतना सारा दाना कहाँ से आ गया? जरूर धोखा है। तीसरा, कबूतरों को जाल में फंसा देखकर बूढ़े कबूतर ने क्या कहा? उत्तर, कबूतरों को जाल में फंसा देखकर बूढ़े कबूतर ने कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, सब एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो। उत्तर, कबूतरों को जाल में फंसा देखकर बूढ़े कबूतर ने कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, सब एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो। प्रश्न एक, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला, जंगल में पेड़ पर कौन रहते थे? तोते कबूतर। सही उत्तर है कबूतर। तो इसलिए हमने इस चौकट में सही का निशान लगाया है और यहाँ पर गलत का निशान लगाया हुआ है। दूसरा, बरसात में क्या मिलना कठिन हो गया? भोजन, हवा, धूप। तो सही उत्तर क्या है? भोजन। यहाँ पर हमने सही का निशान लगाया हुआ है और यहाँ पर गलत का निशान लगाया हुआ है। तीसरा, बूढ़े कबूतर का मित्र कौन था? चुनमुन, मुनमुन, रुनझुन। तो सही उत्तर है चुनमुन। चुनमुन यह चूहे का नाम है, तो वह बूढ़े कबूतर का मित्र था यहाँ पर, इसलिए हमने सही का निशान लगाया हुआ है। प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरो। व्याकुल आवाज शिकारी। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, हमें रिक्त स्थान में उचित शब्द भरना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही करके दिया हुआ है, अभी हम उसका वाचन करेंगे। पहला, सारे कबूतर भूख के कारण व्याकुल हो गए। दूसरा, डैश पेड़ के पीछे छिपा खड़ा यह सब देख रहा था। दूसरा, शिकारी पेड़ के पीछे छिपा खड़ा यह सब देख रहा था। तीसरा, चुनमुन ने अपने मित्र की डैश पहचान कर तुरंत बाहर आया। चुनमुन अपने मित्र की आवाज़ पहचान कर तुरंत बाहर आया। धन्यवाद।